हाँ अम्मी, नहीं अम्मी नहीं आ सकता, कल एग्जाम है। अरे अम्मी नहीं आ सकता, बोर्ड हूँ, कल एग्जाम है, छुट्टी नहीं मिल रही है। परेशान मत करो आप, फोन रखो, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ खान बाबा, इतनी उदास क्यों हो? बात पूछ यार, कल ईद है, परसों एग्जाम है, घर नहीं जा सकता, अम्मी इंतजार कर रही, क्या करूं? क्या खान बाबा, ईद ही तो है यार, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? सच का ईद ही तो है, क्योंकि जब दिवाली होती है तो सिर्फ दिवाली नहीं होती। वो मौला सबकी सुनता है, 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 पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। लिख दुआएं मांगेंगे, चल ईद के चांद पे टांगेंगे। ये सब मेरे लिए? हाँ भाईजान। लेकिन तुम लोग तो हिंदू हो ना? तो क्या होता है, हम हिंदू हैं, ईद तो खुशियों का त्योहार है भाईजान। और आपने तो सुना ही होगा, दिवाली में अली बसते हैं और रमजान मेरा। तो आइए इस ईद मिलकर खुशियां बांटते हैं भाईजान, आइए। ये इंडिया है मेरे भाई, यहाँ सभी धर्मों को एक साथ मनाया जाता है, चाहे ईद हो दिवाली हो। सो प्लीज सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें और हर एक त्यौहार को खुशियों के साथ मनाएं। ईद मुबारक दोस्तों। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए। हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, जो रेड बटन है ना, डोंट फॉरगेट, वो रेड बटन को जरूर 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 आप लोगों से क्लिक करिएगा। ओके, वी आर सब्सक्राइब, हैप्पी, वी आर बिजी नाउ।